हम अक्सर अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं या लाइफ से बहुत ज्यादा अनसेटिस्फाइड फील कर रहे होते हैं। हो सकता है कि हमारी लाइफ बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड में रहती हो हमेशा। तो इन सभी का कारण है अनहेल्दी रिलेशनशिप। हालांकि हम लोगों से जो चारों ओर घिरे हुए हैं बट अंदर से अकेला महसूस करते हैं। तो हेल्दी रिलेशनशिप का ये मेजरमेंट नहीं कि आपको फेसबुक पे या इंस्टा पे कितने ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स मिले, बल्कि हेल्दी रिलेशनशिप जब कहलाती है कि आप कब किसी के सामने अपनी अंदर की फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो आज हम इसी चीज पे चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से हेल्दी रिलेशनशिप को बिल्ड किया जाए। तो हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए मैं आपको 5 स्टेप्स बताऊंगा। तो पहला जो स्टेप है अप्रिशिएटिंग द गुड क्वालिटीज। तो लोगों के अंदर बैड क्वालिटीज या बुरे गुण देखने के बजाय अगर हम अच्छे गुण देखने लग जाएं तो उससे क्या होता है कि हमारे जो रिलेशनशिप होता है उनके साथ वो बहुत ज्यादा क्लोज हो जाता है। तो हो सकता है कि ऊपर से देखने में उनकी जो बुरे गुण हमें सिर्फ दिखने में बुरे लग रहे हो, पर अगर हम उनके इंटेंशन को जानते हैं तो वो हमारे भले के लिए ही सोच रहे होते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि रात में सोने से पहले या सुबह उठने के बाद हम एक ग्रेटिट्यूड जर्नल लिख सकते हैं। इससे क्या होता है कि हम उनके प्रति बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होते हैं। इवन अगर हम देखें जो सक्सेसफुल पर्सनैलिटी अपनी लाइफ में, उनकी एक बहुत अच्छी आदत होती है कि वो लोगों के प्रति ग्रेटिट्यूड जनरल लिखते हैं कि इनके लोगों ने उनकी लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन दिया, नेचर ने है ना, नेचर का उनकी लाइफ में क्या रोल है। इवन गॉड के बारे में भी वो ग्रेटिट्यूड जनरल लिखते हैं। इससे क्या रहता है कि हम बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहते हैं और कभी भी स्ट्रेस या डिप्रेशन में नहीं जाते। तो जो दूसरा स्टेप है दैट इज द एनकरेजिंग द पोटेंशियल। तो किसी ना किसी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है। तो अगर हम उस टैलेंट को उनके लिए एंकरेज करते हैं तो क्या होता है कि वो लोग आपके करीब आ जाते हैं और ऐसे लोग कभी भी आपको लाइफ में अकेला नहीं छोड़ेंगे। तीसरा स्टेप है दैट इज टॉलरेट अनचेंजेबल। तो कई ऐसी सारी चीजें होती हैं जो चेंज नहीं की जा सकती, उसके लिए हमें टॉलरेट करना पड़ता है। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि मैं ज्यादा टॉलरेट कर रहा हूं, पर अगर आप दूसरे के नजरिए से देखेंगे तो पाएंगे कि वो आपसे ज्यादा टॉलरेट कर रहे हैं। फोर्थ वन इज फॉरगिविंग मिस्टेक। अक्सर हमसे गलतियां होती रहती है, तो अगर हम लोगों की गलतियां माफ कर देते हैं तो उनके नजर में हमारी रिस्पेक्ट काफी बढ़ जाती है और इससे जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उनकी और हमारी काफी ज्यादा डेंस होती है, जो कि एक की रोल प्ले करता है एक हेल्दी रिलेशनशिप में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विशिंग एंड गिविंग गिफ्ट्स। तो अक्सर किसी ना किसी के लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं, जैसे कि उनका बर्थडे या उनकी एनिवर्सरी डेट्स। अगर हम इन डेट्स पे उनको विश करते हैं और गिफ्ट्स देते हैं तो उनके नजर में हमारे प्रति प्रेम बढ़ जाता है और वो सोचते हैं कि हमारे लाइफ में कोई ना कोई है जो हमारे बारे में सोचता है, हमारे बारे में ख्याल रखता है। इससे क्या होता है कि हम उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाते हैं और फिर वहां पे कई सारे इमोशंस एक्सचेंज होते हैं जिससे कि हमारा जो रिलेशनशिप है और ज्यादा डेंस होता रहता है। हरे कृष्णा। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी प्रकार से आप हमें अपने सजेशन दे सकते हैं कि हम आने वाली वीडियो किन टॉपिक्स पे बनाएं। हरे कृष्ण।